आज हम आंकलन कार्य पत्र 3 करेंगे गणित का, क्लास 6 का 16 सितंबर का। तो एक कप 1/3 दूध से भरा है, तो कप को दूध से कितना और भरा जाए जो पूरा भर जाए, तो 3/3 पे पूरा भरेगा, तो माइनस कर देंगे 1/3, तो 2/3 पे जो कप है वो पूरा भर जाएगा। अब टेनिस रैकेट का आकार 7 × 8/10 सेमी है, तो आकार का अनुचित भिन्न के रूप में व्यक्त करें, तो 7/10 = 70, 70 + 8 = 78, तो 78/10, तो 78/10 जो है आंसर आ जाएगा, तो यही हमारा करेक्ट है। अब नूरी ने जूस के 5 1/4 लीटर में से 2 3/4 लीटर अपनी सहेली को दिया, अब उसके पास कितना लीटर जूस बचेगा, तो ये कितना हो जाएगा जब हम इसे अनुसूचित भिन्न आकार में कन्वर्ट कर देंगे, परिवर्तित कर देंगे, तो 21/4 माइनस इसमें से होगा 11/4, तो क्या आंसर आ जाएगा हमारा, हमारा आंसर आएगा 10/4। तो इसे फिर से फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे मिक्स, तो 2 2/4, तो ये आंसर हमारा आ गया। अब आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगर राधिका दिन में 6 घंटे सोती है, तो वह एक दिन का कितना हिस्सा सोती है, सोने में बिताती है, तो 6 घंटे सोती है, टोटल घंटे कितने होते हैं 24, तो 6/24, अब इसे घटाएंगे तो 1/4 आएगा। अब मोहन ने एक फ्रूट केक को 7 व्यक्तियों में बांटा, उसने प्रत्येक व्यक्ति को केक का कितना भाग दिया होगा, तो टोटल 7 हिस्से हुए, तो एक व्यक्ति को कितना हिस्सा मिलेगा 1/7। अब करुणा ने 6 1/2 किलोमीटर सुबह और 8 3/4 किलोमीटर शाम अपनी साइकिल चलाई, तो उसने पूरे दिन में कितना सफ़र तय किया, तो पहले से अनुसूचित भिन्न में परिवर्तित करेंगे, तो पहला आएगा 13/2 प्लस यह आएगा 35/4, तो इनका हमें एलसीएम लेना पड़ेगा सेम करने के लिए, तो हम 4 आ जाएगा 26 + 35, तो ये कितना आएगा 61/4, तो 61/4 हमारा आ जाएगा। अब निम्नलिखित में से कौन सी भिन्न सबसे बड़ी है, तो यहाँ पे कैसी भिन्न है अनुसूचित, तो अनुसूचित भिन्न जो है उनमें हमें डिनोमिनेटर चेक करना पड़ता है, जितना छोटा डिनोमिनेटर होगा उतना बड़ा नंबर होगा, तो सबसे बड़ा 5/6 है। अब निम्नलिखित में से कौन सी सबसे छोटी भिन्न है, तो यहाँ पे सब सूचित है, सबका डिनोमिनेटर 8 ही है यहाँ पे, तो डिनोमिनेटर सेम है, तो न्यूमरेटर में जिसका न्यूमरेटर बड़ा होता है वो सबसे बड़ा नंबर होता है, तो 8वें में 9/8 होगा, यहाँ पे 9/8 आप सभी लोग लगाएंगे। अब आगे बढ़ते हैं 9वें प्रश्न के साथ। निम्न में दोनों भिन्नों की तुलना भिन्न है, तो तुल्य भिन्न है, तो कट करके देखेंगे, ये कट होगा नहीं, ये भी कट नहीं होगा, ये भी कट नहीं होगा, ये कट होके आएगा 4/3, तो बी ऑप्शन करेक्ट है। अब यदि 5/9 = 2/P है, तो P का मान, तो 525 के टेबल में कितने पे आता है 4 पे, तो 9 × 4 = 36, यहाँ पे 16 की जगह आप 36 लिखेंगे और यही करेक्ट है। इस तरह से आप ये वर्कशीट करेंगे। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वर्कशीट के साथ, तब तक के लिए बाय।